एज एन एंटिटी हम लोग मीराबेला टैलेंट लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे अभिनेता हैं, सिंगर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और 4 मई को हम लोग अपना एक इवेंट कर रहे हैं थर्सडे को, जिसमें हम अपने सिंगर्स को लॉन्च कर रहे हैं पूरी बॉलीवुड के फ्रेटर्निटी के सामने। तो उसी के तहत जब ये हमारे पास आया कि दिस इज़ द वेन्यू फॉर द स्टार लाइफ मिस एंड मिस्टर इंडिया मुंबई ऑडिशंस, सो वी वर वेरी हैप्पी कि हमारे वेन्यू के ऊपर, मीराबेला हॉस्पिटैलिटी की प्रॉपर्टी के ऊपर ये इवेंट हो रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट हम लोगों से यंगस्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा और नए मॉडल्स, एक्टर्स, उभरते हुए कलाकार अगर आएंगे तो वी विल बी मोर देन हैप्पी अबाउट इट एंड वी वांट टू कंट्रीब्यूट इन दैट। थैंक यू राहुल, आप जानना चाहेंगे यू आल्सो ऑलवेज लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग टैलेंट, आज आप यहां मीराबेला पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले बात है मैं स्वराज के लिए आया हूँ, मेरा बहुत ही अजीज मित्र है, पारिवारिक मित्र है, और इसने कहा कि आज एक टैलेंट शो है जहाँ जज करना है, इसलिए मैं आया। इसने कहा कि मीराबेला टैलेंट एजेंसी शुरू कर रहा है जहाँ अभिनेता होंगे, मेरे ख्याल से एक समय आएगा जहाँ ये नेताओं को भी ट्रेन करेगा, क्योंकि नेताओं को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो मैं होप करूँगा एक दिन ये नेताओं को भी अच्छे से ग्रूम करें, बिकॉज इसकी जो स्टाइल है, इसकी जो वर्किंग है, बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर है, मतलब रेस्टोरेंट्स हो, नाइट क्लब हो, बार हो, योगा हो, योगिक कपड़े हो, सात्विक हो, सब चीज़ें जो जैसे इंद्र के दरबार में सब कुछ होता है, सोब्रस भी होता है, लंबा अंबा उर्वश भी होती है, और साथ में भगवान वाला काम भी होता है, ये सारी चीज़ें ये सिर्फ स्वराज कपूर कर सकता है, और मैं स्वराज को सपोर्ट करने के लिए, मीराबेला को सपोर्ट करने के लिए यहाँ हूँ। सो मैं एक्चुअली स्वराज की बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, फैमिली फ्रेंड हूँ, एंड मेरे जो योगा स्टूडियोज़ हैं, मैं और स्वराज एक साथ सब योगा स्टूडियोज़ को चैनलाइज कर रहे हैं फिटनेस और योगा के तहत, जितना हम लोग फिटनेस का अवेयरनेस इस देश में ला सके, एंड या सो वी आर स्प्रेडिंग हेल्थ एंड अवेयरनेस अमंग द यंगस्टर्स स्पेसिफिकली, एंड या सो अ हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी आई थिंक कीप्स द नेशन वेरी हेल्दी एंड दैट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशन। थैंक यू। I think whatever we are doing is kind of interlinked with each other. If you know, for example, if we have a hospitality, at the same time we have a yoga, spiritual clothes, because that's the need of the hour in the country, and talent, because I think it is kind of interlinking with each other. You know, we are going to promote talent. We have amazing actors, people like people who are eminent. And tomorrow, whatever activities we are doing, like spiritual clothes and other things, I think those actors will be beneficial for us to propagate whatever we want to do and reach out to maximum people. Like people like, for example, Rahul, like being a brother is over here. And if he understands my thought process and passes on, more people will hear about it rather than, you know, just me talking about it or, you know. So we need a whole team of people, and talent is the best. And you know, so we want to be part of it. So we're interlinking all the things together under one roof. Rahul, aap bhi mera bana talent ke hissa hoon. Yeah, main to waise bhi hoon. Aaj hi baat hui thi. मैं वैसे भी मीराबेला टैलेंट का हिस्सा हूँ, मतलब बिना बोले भी। एक बात टैलेंट से है कि हमारे देश में 125 करोड़ में से 100 करोड़ टैलेंटेड होते हैं, मतलब लोगों को मौका नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ फेमस लोगों को लेके, हर एक फेमस आदमी कहीं ना कहीं स्ट्रगलर रह चुका है, अननोन रह चुका है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह स्वराज की सोच है, वो ज़रूर नॉन सेलिब्रिटी के साथ भी सेलिब्रिटी बनाएगा। यहाँ स्टार नर्सरी होगी जहाँ स्टार बनाए जाए। अभी अभी हम लोग जैसे 3 सिंगर्स जो हम लोगों ने पिकअप किए हैं, वो बिल्कुल जस्ट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट पिकअप किए हैं, और जिनको हम लोग 4 मई को शोकेस करेंगे सबके सामने, और दे आर नॉट स्टार्स, दे आर नॉट सेलिब्रिटीज, दे आर जस्ट बीइंग पिक्ड अप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट एंड ग्रूम। बिकॉज जैसे क्रिकेट में होता था, जब तक बॉम्बे और दिल्ली सिर्फ क्रिकेट खेलते थे, और आज छोटे छोटे स्टेट्स में क्रिकेट होने लगा है, आईपीएल से प्रोत्साहन मिलने लगा है,
स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीज आने लगी हैं, उसी तरीके से टैलेंट हर फील्ड में प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसको, चाहे वो फिल्म हो, स्पोर्ट्स हो, बाकी कोई भी फील्ड हो. सो वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट. हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में बहुत बड़ी डिबेट चल रही है दान को लेकर. सोनू निगम ने जो कॉमेंट किया ट्वीट किया है ट्विटर में, आप क्या कहना चाहेंगे कि लाउडस्पीकर को लेकर उन्होंने कहा है कि सुबह सुबह लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले आपका परिचय. हाँ, आप कहाँ से हो? किशन में रिपोर्टर हूँ. कौन सी चीज़ के लिए? फ्रीलांसर? नो, बॉलिंग राइटर. ठीक है, मेरा सोच तो मैंने ट्वीट भी किया था और मेरा ट्वीट ये था जो मैंने कल किया था कि इफ योर रिलीजन इज लाउड इनफ फॉर इज बिलीवर देन वाई डू नीड लाउड स्पीकर्स. किसी एक रिलीजन के लिए मैं वैसे भी साउंड पोल्यूशन के खिलाफ हूँ. मेरे ख्याल से तो गाड़ी के जो हॉर्न्स होते हैं उसमें भी प्रीपेड कार्ड होना चाहिए कि हर एक हॉर्न करने पर 100 रुपया कट जाना चाहिए और बंद होना चाहिए बाद में. सो इट्स नॉट अबाउट वन रिलीजन और एक चीज़ से. कहीं भी अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो वो कम होना चाहिए, ट्रैफिक का हो, फेस्टिवल्स का हो, रिलीजन का हो, कहीं भी हो. इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट द साउंड पोल्यूशन. उनके बयान को तो मैंने रिट्वीट किया था. जरूर उनकी जो कंसर्न थी उनकी कंसर्न है और वो अपनी जगह सही है. तो जैसे कि सर आपने कहा कि मौका नहीं मिलता बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में हो रही बात होती है नेपोटिज्म की, तो आपको लगता है कभी बॉलीवुड में परिवारवाद है ज्यादा? आप क्या कहना चाहेंगे? या देखिए, परिवारवाद से आप थोड़ी ना किसी को, देखिए आप राजनीति हो बॉलीवुड हो, अगर परिवारवाद है तो आप किसी को एक चांस दे सकते हो, मगर किसी को पॉपुलर नहीं कर सकते हो. आखिर लोगों को अपनी टिकट खरीदनी है या किसी को वोट करना है, वो आप नहीं ला सकते हो. तो नसीब का खेल है. यहाँ नसीब का बहुत बड़ा हिस्सा है. जैसे मैंने कहा टैलेंटेड बहुत लोग होते हैं, नसीब और हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है. सही जगह पर सही चीज़ें करना और सही जगह पर ना कहना, ये बहुत ज़रूरी है. सर जैसे कि आप हर वक्त हर शो को जज करते रहते, तो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जज करने वाले? फिलहाल तो कोई प्रोजेक्ट जज करने का नहीं सिवाय आज के. अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको इत्तला जरूर करूंगा. धन्यवाद. In this man's world, how does a, where does a woman stand, you know? In like, this man's world? In the man's world, how does a woman stand? Like, what's the woman empowerment message you would send for the women to work? I always believe in a very famous quote by Mr. Rabindranath Tagore, Sri Rabindranath Tagore, when he said, in a world, you stand with your head held high. So I feel man or woman, we just stand for the truth, stand for the self-belief and stand for the self-dignity, be it a man or woman, that we should be equal. Thank so you. It's about equality. Thank you. Thank you. You just do your hard work. Be it man or woman, the best is going to come to you. But why do you say ki in man's world, first of all, why it's man's world? Because women feel, women have to fight a lot. Let me tell you a point. The problem is saying women's card, you know. First of all, why they should be woman or man? It should be human, you know, what we all are saying. We three are sitting together. Yeah, but nobody should advantage of being woman and disadvantage also should not be there. You know, men should not get advantage. So till time we don't have sexual neutral, nothing will change. Women's card should not be played, men's card should not be played. It's just a card on, you know, your talent. What will you do? Capability. औरतें पे बताओ कितने सास तकलीफ देती, कितने ससुर तकलीफ देते हैं. औरतें पे अत्याचार करती है, इतिहास गवाह है. औरतें भी करती है. महात्मा फुले ने शुरू किया एजुकेशन, तो डिफरेंट. औरतें पे अत्याचार करती सबसे ज्यादा. ननंद हो, सास हो, दोस्त हो, बताओ दो बेस्ट फ्रेंड बताओ जो लड़की है दूसरे से होती है, दोनों चलती है दूसरे पे. लौरा कितने दिन हो गए तुम्हारे को दोस्ती की हुई. थैंक यू. नहीं, जज तो नहीं कर रहे हैं. सुराज कपूर हमारे भाई हैं, मीरा बेला के ओनर्स हैं, सीईओ. उनकी माताजी से हमारा बड़ा प्यार है, उनकी सिस्टर से, और वो पॉलिटिकल लेवल पे भी हैं, उनकी सिस्टर रेशमा सिंह जी. एंड वो हमारा परिवार है, तो परिवार को तो आना ही पड़ता है जब अपना परिवार रहता है, आगे काम कर रहा है और इतना बेहतरीन काम कर रहा है फैशन वर्ल्ड, तो क्यों नहीं हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने आए. हम तो ज़रूर पहुंच गए. कुछ जजेस करने वालों भी हैं? नहीं, जज तो नहीं करने वाली हूँ, पर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे. अगर हमें आगे ऑफर्स आएंगे तो हम ज़रूर करेंगे. राहुल महाजन जी के साथ थोड़ी बहस हो गई, क्या कहना चाहिए? नहीं, राहुल भैया तो हमारे, वो भी हमारे परिवार हैं, तो भाई बहनों के साथ. विमेन एम्पावरमेंट में से तो लेडी जी से हमारी बात हो रही थी, योगा की हैं वो,
तो राहुल जी से तो हमारे ब्रदर हैं वो, तो उनसे क्या हमारी बहस होगी, भाइयों बहनों का तो जिंदगी में कुछ चलता ही रहता है, वो तो प्यार है हमारा। सीनियर जर्नलिस्ट का अवार्ड अब वो तो हमें पता नहीं, अब जब हमें आएगा अवार्ड तो हम ज़रूर आई विल बी देयर टू टेक इट। शुक्रिया। लेकिन अपनी पर्सनालिटी और ब्रेन्स के लिए आपने कुछ ज्योग्राफी पढ़ा है पर्सनल इकोनॉमी और ट्वेल्थ साइंस के लिए इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज है साइंस। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब आप कुछ करके दिखाओगे तब बेटर है उन्हें बताना। आई थिंक मैंने भैया को बताया, आई डोंट हैव मॉम सो मेरा सब कुछ भैया। अच्छा तो भैया को बताया आपने। सो नेम फेम मनी एंड बेटर फ्यूचर इन लाइफ, तो नेम फेम मनी से क्या बेटर फ्यूचर हो जाता लाइफ में? नो, नेम फेम मनी आई वांट एंड एल्स अ बेटर फ्यूचर। अच्छा दे आर लिंक्ड टू ईच अदर यू कैन से। जिनका नेम फेम होता है उनका लाइफ अच्छी होती, पीस होती थी? नहीं होता। पूछो आप भी कुछ पूछो। आपकी बेसिक फिलॉसफी क्या है लाइफ में, आप क्या अपने आप को देखते हैं आज से 10 years from now, how do you see your journey of your life? I like professionally I'm a plastician and you're like a plastician. क्या कारण क्या है कि आप लोगों पे उम्मीद क्यों नहीं करते, विश्वास क्यों उड़ गया आपका लोगों के ऊपर? विश्वास उड़ा नहीं है, आई कीप ट्रस्ट बट 50% ऑन दैट एंड 50% ऑन माय सेल्फ। ऐसी कोई घटना हुई आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको ऐसा? नहीं सर, ऐसा कोई घटना नहीं है। इट्स ऑलवेज दैट यू आर द बेटर जज ऑफ योर लाइफ, सो गिव योर बेस्ट एंड रेस्ट बी फॉर अदर्स। व्हाट आर यू डूइंग? सॉरी सर सर, what are you doing in present in your life? So basically my background is I'm an automobile engineer. I did a job for 2 years and I quit it because I wanted to get into the industry.